गलत इल्ज़ाम है हम पर के वफादारी नहीं करते, गलत इल्ज़ाम है हम पर के वफादारी नहीं करते, अरे हम मोहब्बत बांटते हैं अदाकारी नहीं करते। और बुरा वक्त जब भी आया है वतन पर ए वतन वालों, बुरा वक्त जब भी आया है वतन पर ए वतन वालों, हम अपनी जान दे देते हैं गद्दारी नहीं करते। मेरे मोहतरम व मुअज़्ज़ज़ सामईन कराम, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि 26 जनवरी यौम जम्हूरिया ये हमारे मुल्क हिंदुस्तान की तारीख में निहायत ही अहमियत का दिन है। और आप ये भी जानते हैं कि इस दिन हमारे मुल्क का आईन नाफिज हुआ था। हिंदुस्तान का चप्पा चप्पा और गुलिस्तान हिंद का पत्ता पत्ता और बूटा बूटा इस बात पर शाहिद है कि जब इस हिंदुस्तान की मुकद्दस सरजमीन पर तन के गोरे मगर मन के काले अंग्रेज़ों का नापाक साया पड़ा और जब ये सादी सी कौम हिंदुस्तान के तख्त ताज का मालिक बन बैठी, तो उस वक्त अंग्रेजी इख्तदार के खिलाफ सबसे पहले अलम बगावत हमने बुलंद किया। रास्ते की गुरबत व जोरी से बेफिक्र होकर, राहों के खतरात से बेफिक्र होकर, इस मुल्क की आज़ादी के लिए हमने अपने जिस्मों को लहू लुहान करवाया। इस मुल्क की आज़ादी के लिए हमने फांसी के फंदों पर चढ़ना पसंद किया। इस मुल्क की आजादी के लिए हमने बरसरे अदालत नगमे आजादी सुनाई, तो माल्टा की कोठरियों को हमें अपना वतन बनाना पड़ा। मेरे मोहतरम दोस्तों, इस तरह की सदियों की गुलामी के बाद यह मुल्क हिंदुस्तान हमारी कुर्बानियों की बदौलत अंग्रेजी इख्तदार से आजाद हुआ और हमने जमहूरियत का फैसला बहुत सोच समझ कर इख्तियार किया है, ताकि मुख्तलिफ मजाहिब अदियान और नजरियात अकायद के करोड़ों हिंदुस्तानी आजादी की हकीकी दौलत से सरफराज हो सके। लेकिन दोस्तों, आजादी के बाद यूं मिले वतन के लोग हमसे आज़ादी के बाद, यूं मिले वतन के लोग हमसे आज़ादी के बाद जैसे बेहिस बाप कोई दूसरी शादी के बाद। मिल्लत इस्लामिया के गयूर नौजवानों, आज हिंदुस्तान के अंदर क्या हो रहा है और आज़ादी के बाद से लेकर आज तक मुसलमानों के साथ किस तरह का रवैया इख्तियार किया जा रहा है, मुसलमानों के खिलाफ कैसे कैसे हथियार इस्तेमाल किए जा रहे हैं। अरे कभी गोरक्षक के नाम पर मुसलमानों का कत्ल कर दिया जाता है, कभी सिर्फ शको शुबे की बुनियाद पर हमारे नौजवानों को मौत के घाट उतार दिया जाता है, तो कहीं हमारी माओ और बहनों के इफ़्फ़त से खिलवाड़ किया जाता है, हमारी माओ और बहनों की इज्जतों से खिलवाड़ किया जाता है, तो कहीं हमारे मासूम बच्चों को गाजर और मूली की तरह काट दिया जा रहा है, और कहीं हमारी मसाजिदों को मिसमार किया जा रहा है, तो कहीं हमारे मकातिबों पर शक की नजरें डाली जा रही है। और हद तो ये हो चुकी है कि आज हमारी शरीयत में मदाखलत करने की कोशिशें की जा रही है। मेरे मोहतरम दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं उन फिरका परस्त ताकतों को और उन इत्तेहाद के दुश्मनों को और सेकुलरिज्म के नाम पर उन सियासत की रोटियां सेकने वालों को कि कान खोल कर सुनो, जब तक इस जमीन पर एक कलमा पढ़ने वाला मौजूद रहेगा खुदा की कसम अपनी शरीयत पर अमल करता रहेगा। कोई माँ कलाल ऐसा पैदा नहीं हुआ कि जो हमको अपनी शरीयत पर अमल करने से रोक सके। अरे हम कल भी अमल करते थे, आज भी अमल करते हैं और रोजे कयामत तक हम अमल करते रहेंगे। और दोस्तों, हम कल भी अपने इस मुल्क की आजादी के लिए सूली पर चढ़ते थे, आज भी चढ़ सकते हैं। कल भी हम इस मुल्क की आजादी के लिए फांसी के फंदों को चूमना पसंद कर लिया करते थे, आज भी कर सकते हैं। कल भी हम अपने इस मुल्क की आजादी के लिए तोपों और टैंकों का मुकाबला करते थे, आज भी कर सकते हैं। लेकिन हम अपने मजहबों मिल्लत और दीनों धर्म पर आँच नहीं आने दे सकते। अरे मजलूम सही मजबूर नहीं है हम, मजलूम सही मजबूर नहीं है हम, अगर शरीयत पे आँच आई तो बाबा हम भी जिद पे आ जाएंगे। मिल्लत इस्लामिया के गयूर नौजवानों,
आज हिंदुस्तान के अंदर कैसे हालात है, आज हिंदुस्तान के अंदर क्या हो रहा है। और मैं आपको इसकी एक अहम वजह बताता चलूं कि एक वजह यह भी है कि आज हिंदुस्तान के अंदर जो मुसलमानों के खिलाफ ये साजिशें रची जा रही है, उसकी सबसे बड़ी एक वजह यह है कि मुसलमान इस मुल्क से इतनी मोहब्बत क्यों करता है, मुसलमानों को इस मुल्क से आखिर इतनी मोहब्बत क्यों है। अरे हम क्यों ना इस मुल्क से मोहब्बत करें, अरे क्यों ना हम इस मुल्क से प्यार करें। हम तो जीते जी भी प्यार करते हैं और मरते दम तक प्यार करते रहेंगे। और मोहब्बत का सर्टिफिकेट किसी खड़े होकर पेशाब ले करने वाले से लेने की जरूरत नहीं। अरे हमें मोहब्बत का तरीका अल्लाह के रसूल ने सिखाया है, हमें मोहब्बत का सलीका कुरान ने सिखाया है, हमें नाविलों से सीखने की जरूरत नहीं। मिल्लत इस्लामिया के गयूर नौजवानों, आज हिंदुस्तान के अंदर क्या हो रहा है, हर तरफ साजिशें, हर तरफ साजिशें। आज मैं आपको ये बात एक साफ तौर पर कहने जा रहा हूं कि ऐसी जो फिरका परस्त ताकतें हैं, यकीनन वो आटे में कि नमक की तरह है, लेकिन उनकी वजह से हिंदुस्तान का माहौल बिगड़ रहा है, उनकी वजह से हिंदुस्तान का माहौल खराब हो रहा है। इसलिए हम तमाम हिंदू मुस्लिम ईसाई भाइयों को चाहिए कि हम इकट्ठा होकर इन आस्तीन के सांपों को, इन जहरीले सांपों को कुचल डालें और मुल्क की बका की फिक्र करें। मेरे मोहतरम दोस्तों, हमारा ये मुल्क हिंदुस्तान जमहूरियत का पासबान, इसे कुछ नालायक मुल्क के गद्दार हिंदुस्तान को कब्रिस्तान बनाने की कोशिश में लगे हैं। मैं उनको बताना चाहता हूं कि याद रखो, जब तक इस जमीन पर एक कलमा पढ़ने वाला मौजूद रहेगा, कोई भी हिंदुस्तान की आबरू से नहीं खेल सकता। अरे हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे को जब भी जरूरत पड़ी, हमारे लाल आगे बढ़े, कभी मीर अब्दुल हमीद की शक्ल में, तो कभी खान अब्दुल गफूर की शक्ल में, तो कभी हजरत मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह की शक्ल में, तो कभी हजरत मौलाना जाफर थानेसरी रहमतुल्लाह अलैह की शक्ल में, तो कभी हजरत शेखुल हिंद की शक्ल में, तो कभी हजरत मौलाना महमूदुल हसन देवबंदी की शक्ल में, तो कभी हजरत टीपू सुल्तान की शक्ल में, तो कभी हजरत मौलाना अबुल कलाम आजाद की शक्ल में, तो कभी भगत सिंह की शक्ल में। यह मुल्क हमारा था, हमारा है, और हम इस मुल्क के हिस्सेदार है, किराएदार नहीं है। मेरे मोहतरम दोस्तों, आज जो ये फिरका परस्त ताकतें ये हम पर इल्जाम लगा रहे हैं कि हम इस मुल्क से मोहब्बत नहीं करते, हम इस मुल्क में रहने वाले बाशिंदों से मोहब्बत नहीं करते, मैं उनको बताना चाहता हूं कि क्या तुमने कभी तारीख को नहीं पढ़ा है, या तुम तारीख को भूल चुके हो। अरे अगर तुम्हारे तारीख याद नहीं है तो आओ मेरी बात को सुनो, क्या तुम भूल गए मौलाना अबुल कलाम आजाद के उस जुमले को कि जो उन्होंने 1923 के जलसे से खिताब करते हुए फरमाया था कि अगर कोई बड़े से बड़ा शख्स आकर मुझे ये कहे कि अबुल कलाम कल हिंदुस्तान को आजादी मिल जाएगी, कल हिंदुस्तान को आजाद कर दिया जाएगा, बस शर्त यह है कि तुम हिंदू मुस्लिम प्रेम मोहब्बत की बातें करना छोड़ दो। उस वक्त अबुल कलाम ने कहा था कि मैं ऐसी आजादी पर लात मारता हूं, मुझे ऐसी आजादी की जरूरत नहीं, अरे मुझे तो हिंदुस्तान के अंदर हिंदू मुस्लिम की मोहब्बत और उनका इत्तेहाद चाहिए। यह पैगाम दिया है हमने मुल्क को, लेकिन आज हमें बदनाम करने की साजिशें रची जा रही है और हमारे मदारिसों पर ISI होने का इल्जाम लगाया जा रहा है। गर्ज ये कि ये अपनी गंदी सोचो फिक्र को शरीयत में दाखिल करके उसमें मदाखलत करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं, अरे तुम लाख कोशिश कर लो, तुम कोशिश कर कर थक तो सकते हो, तुम कोशिश कर कर मर तो सकते हो, लेकिन तुम ना तो हमारे दिलों से इस हिंदुस्तान की मोहब्बत को कम कर सकते हो और ना तुम हमें अपनी शरीयत से फेर सकते हो। आज की इस 26 जनवरी के दिन से मैं आपको एक पैगाम देना चाहता हूं कि ए नौजवानों, आप अपनी शख्सियत को समझिए, आप मुस्तकबिल की फिक्र कीजिए। खुदा की कसम, अगर आप अब भी ख्वाबे गफलत में सोते रहोगे, अगर आप अभी भी अपने इस गफलत के पर्दे से बेदार नहीं होंगे, तो याद रखिए ये आने वाली नस्लें हमें कोसेगी। आज अहद करिए कि इंशाल्लाह हम जमहूरियत में भी आगे बढ़ेंगे, हम सियासत में भी हिस्सा लेंगे, हम अपने मुल्क की हिफाजत करेंगे, हम अपने मुल्क में रहने वाले बाशिंदों की हिफाजत करेंगे।
मौजूदा हिंदुस्तान के ये हालात हमारे एहसास मजहबी दीनी हमीयत और अकीदा तौहीद को चैलेंज कर रहे हैं कि अगर तुमको इज्जत की जिंदगी गुजारनी है, अगर तुमको अपनी माँ और बहनों की इज्जत का पासो लिहाज रखना है, अगर तुमको अपने बच्चों से प्यार है, अगर तुमको अपने मकातिबों से प्यार है, अगर तुमको अपनी मसाजिदों से मोहब्बत है, तो बुग्ज़ो अदावत की जंजीरों को तोड़कर आगे बढ़ो और मुल्क की बका के लिए जिद्दोजहद करो। खुदा की कसम, जब हम बुग्ज़ो अदावत की जंजीरों को तोड़कर आगे बढ़ेंगे तो ये बातिल ताकतें पीछे हटेगी। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, आप आगे बढ़िए मुल्क की बका के लिए, मुल्क की हिफाजत के लिए और इसमें रहने वाले बाशिंदों की हिफाजत के लिए। वो लूट रहे हैं सपनों को, मैं चैन से कैसे सो जाऊं। वो लूट रहे हैं सपनों को, मैं चैन से कैसे सो जाऊं। वो बेच रहे हैं भारत को, मैं खामोश कैसे हो जाऊं। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।